जय जगन्नाथ। मुलिपुन आपण मैंने गोटे एक्टिव सुइथ लिपुन चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच। वर्तमान संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मैंने बताइबी। भिडियोटी शेष पर्यटन देखा सहित भिडियो गोटे लाइक करूँ। चैनल नुआ आसते तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, कारण जहाँ भी मुझे अपलोड करी आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो चलतु आजिकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखि नवा। तो भिडियोटी स्टार्ट पूर्व समस्त गोटे छोटिया अनुरोध, जदि आपण मैंने प्रतिदिन पेटीएम कैश इनकम करने चाहते तो सबुठारु बहुत बड़े एप्लीकेशन अच्छे हेलो आप जार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले देची, तो समस्ते निहाती भावे डाउनलोड करनी। तो चलतु आजिकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखिनवा। तो देखु प्रथम अपडेट रही द्वितीय लॉकडाउन पर कौन सब खोला रण सब बंद रलतु जाणिनवा। देखु द्वितीय पर्याय लॉकडाउन पर केन्द्र सरकार पक्षर नुआ गाइडलाइन जारी करा जाई। बस ट्रेन विमान उड़ाण पर कटकना जारी रही, माने यू बंद रही सूचना रही। ट्रेन ले यात्री परिवहन बंद रस्त घर हो आंतर्जातीय विमान उड़ाण बंद टैक्सी ऑटो रिक्शा मध्य चलोनी आउ आंतजिला राज्य चलाचल पर कटकणा। समस्त शिक्षानुष्ठान सहित कोचिंग सेन्टर बंद र सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक समस्त प्रकार कार्यक्रम बंद सर्वसाधारण छेप पकाइले जरिमाना देवाकू पड़िब। ऑफिस आउ सार्वजनिक स्थान रे सामाजिक दूरता रक्षा करी सहित मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक। कृषि संपर्कित समस्त काम ओ नरेगा काम जारी रहिब। देखंतु कृषक मानकर जहाँ भी सब काम सी सब जारी रहिब, ताको ऊपर कोनोसी प्रभाव पड़िबनी बोली सूचना रहिछि। तास बैंक शाखा और एटीएम खोला दुग्ध बिक्री वितरण संग्रह चालू रूर्वपरी समस्त मॉल सिनेमा हॉल बंद बोली सूचना रही। दुई नंबर अपडेट रही कोरोना मुकाबला राज्य सरकार बड़ पदक्षेप, जहाँकि भुवनेश्वर को तीनोटी जोन ले भाग कर छ आईएस को दिगला गुरुत्वपूर्ण दायित्व। अवरोध अंचल रखिबे नजर, भुवनेश्वर को उत्तर जोन दक्षिण पूर्व आ दक्षिण पश्चिम जोन ले विभक्त करा जाइछि बुली सूचना देइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उत्तर जोन दायित्व रे अछंती रंजीत चोपड़ा और विष्णुपद सेठी, सेहिपरी एस के लोहानी और शाश्वत मिश्र को दक्षिण पूर्व जोन ले दायित्व दि जाइछि। अशोक मीना भास्कर ज्योति शर्मा को दक्षिण पश्चिम जोन ले दायित्व दि जाइछि बुली सूचना रही। कारण भुवनेश्वर में कोरोना आक्रांत संख्या एत बढ़िवे लगी, तो सेइटू बेसी कोरोना आक्रांत संख्या माने सेइटू मिलुची। तेणु भुवनेश्वर को माने अति माने जोन ले तीनोटी जोन ले भाग करा जाय कि माने दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जाउची आ सेइ सब स्थान पर अधिका गुरुत्व दिया जाउची बुली सूचना रही। तीन नंबर अपडेट रही भारत में कोरोना आक्रांत संख्या 11,449 को वृद्धि पाई, मृत्यु संख्या 377 पहुँचला, आउ 1,306 जन सुस्थ हो घर को फेरी, जहाँकि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर सूचना रही। चार नंबर अपडेट रही वर्तमान ताति दिनकू दिन बढ़िवे लगी, तेणु एने पाणीपाग विभाग तरफ कालबैशाखी वर्षार आशंका रही। आज कोरापुट मयूरभंज बालेश्वर भद्रक आदि जिलार किसी स्थान में घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगरे पवन बहवा सहित कालबैशाखी वर्षा होवार आशंका रही। सेहीपरी नवरंगपुर रायगढ़ कंधमाल गंजाम केन्दुझर जाजपुर आदि जिलार गोटे किंबा दुईट स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही। 16 तारीख दिन मयूरभंज बालेश्वर कोरापुट गजपति गंजाम आदि जिलार केतेक स्थान में स्वल्प वर्षा होईपारे। 17 तारीख बेलू गंजाम गजपति मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर खोर्धा पुरी आदि जिले में किसी स्थान में पवन रेग बढ़ घंटा प्रति 40-50 किलोमीटर बेगर पवन बहवा सहित वर्षा होवार आशंका रही। तो विशेषकर एप्रिल मास 18 तारीख पर्यंत ए कालबैशाखी वर्षा लागि रहिबो बोली सूचना मिलिछि, किंतु जो गरम रो ताती प्रभाव बहुत बढ़ी जाइछि 41 डिग्री छुईलाणी विभिन्न स्थान रे बोली सूचना रहिछि। तो ए जो वर्षा द्वारा गरम उपर किछि प्रभाव पड़िबनी, गरम सेही बोली रहिबो बोली सूचना रहिछि जाकी पाणीपाग विभाग तरफरु। पांच नंबर अपडेट रहिछि छेप पकाइले पड़िब फाइन, सर्वसाधारण स्थान रे छेप पकाइले देबाकू पड़िब जरिमाना, बाहर एणे तेणे छेप पकाइले लागिब कटकणा। सर्वसाधारण स्थान रे छेप पकाइले 500 टंका फाइन पड़िब, जहाँकि गंजाम जिले में लागू है नियम।
ଏଥିସହିତ 2ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜରିମାନା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। 6 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 100 ଶଯ୍ୟାର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 7 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କରୋନା ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି, ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନଜନ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ରେ ସବୁ ପଇସା ମିଳିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପଇସା ନେଇକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପଇସା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେବେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତା ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ରେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରେ ଏହି ନିୟମ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲାଗୁ ରହିଛି, ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ଲାଗୁ ହେବ ତ ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ। 8 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କେବଳ ରବିବାର ଖୋଲିବ ଗ୍ୟାରେଜ୍, ବହି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମରାମତି ଦୋକାନ, ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ଯାଜପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିୟମକୁ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ସେ ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱଧନ, 72 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସାନିଟାଇଜ୍ ଟନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ, ଏଭଳି ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହୁରା, ତାଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଦୋଲ ଗାଁରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସାନିଟାଇଜ୍ ଟନେଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସୌରଶକ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।